सबसे पावन ग्रंथ माना जाता है रामायण को। रामायण और इतिहास से जुड़ी हर बात को जानने के लिए हमेशा हर व्यक्ति में एक उत्सुकता जरूर बनी रहती है। कहा जाता है कि श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद है जिनके बारे में आज भी हर कोई जानना चाहता है। ये स्थल भगवान श्री राम और रावण से जुड़ी कई सच्चाई को खुद ब खुद बयां करते हैं। जी हाँ, बता दें आप लोगों को, एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि पुरातत्वविदों ने श्रीलंका में 50 से अधिक ऐसी जगहों को खोजने का दावा किया है जिसका सीधा संबंध रामायण काल से बताया जा रहा है। और तो और, इस रिसर्च में ये भी दावा किया गया है कि रावण का शव जो है वो आज भी एक गुफा में मौजूद है और ये गुफा श्रीलंका के रेगला के घने जंगलों में स्थित है। बता दें आप लोगों को, हालांकि रावण की मृत्यु कब हुई इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि श्री राम के हाथों उसका वध 10,000 साल से भी ज्यादा पहले हुआ था। कहा यह भी जाता है कि रेगला के जंगलों में 8,000 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा मौजूद है जहां पर रावण के शव को ममी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। और इसी जगह को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगाया हुआ है जिसकी वजह से हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही है। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए इस रिसर्च के हिसाब से आपको बता दें, जिस ताबूत में रावण का शव रखा हुआ है उसकी लंबाई तकरीबन 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट बताई जा रही है। बता दें आप लोगों को, कहा यह भी जा रहा है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना भी दबा हुआ है जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि रावण के शव को नाग कुल के लोग अपने साथ ले गए थे उस समय, क्योंकि उन्हें ये पूरा विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है, वो फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसके बाद उन्होंने रावण के शव को ममी बना दिया ताकि सालों साल उसे सुरक्षित रखा जाए। रिसर्च में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि रावण की अशोक वाटिका कहाँ थी और उसका पुष्पक विमान कहाँ उतरता था। इसके अलावा रिसर्च में भगवान हनुमान के पैरों के निशान खोजने का भी दावा किया गया है। हालांकि इन सभी चीजों की प्रामाणिकता अभी भी सिद्ध नहीं की गई है, पूरी तरीके से अभी ये चीजें खुलकर सामने नहीं आई है। अभी इस रिसर्च में और काम चल रहा है, जब इस बारे में पूरा खुलासा हो जाएगा तब इस बारे में, इस बात में कोई सच्चाई नजर आएगी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।